आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कुबेरपुर के नेमिनाथ हॉस्पिटल में सुखमनी सेवा सभा का सुखमनि साहिब का पाठ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रागीजनों ने शबद कीर्तन कर संगतों को निहाल किया। कुबेरपुर के नेमिनाथ अस्पताल में सुखमनी सेवा सभा द्वारा सुखमनी साहिब का पाठ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रागीजनों ने शबद कीर्तन कर संगतों को निहाल किया। नेमिनाथ अस्पताल में आयोजित इस अलौकिक भक्ति समागम में शामिल नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर प्रदीप गुप्ता ने कहा कि कोविड के चलते चारों तरफ उदासी का माहौल है। ऐसे माहौल में कुछ समय हम प्रभु के चरणों में गुजार रहे हैं, यह हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। श्री सुखमनी साहब का पाठ आज देखा है, हमारे मन में बड़ी श्रद्धा ये थी कि जो हमारे कोविड में बहुत सारे पेशेंट आए, सब ठीक ठाक होकर के चले जाएं यहाँ से। 12,532 लोगों का मैंने इलाज किया, जिनमें से सिर्फ 6 लोगों की कैजुअलिटी हुई। तो इस खुशी में कि भाई लोग ठीक चले गए, बहुत अच्छा रहा, लोगों को बहुत राहत पहुँची, उसको भगवान का शुक्र करने के लिए, गुरु नानक जी का शुक्र करने के लिए आज सुखमनि साहब का पाठ होता है। धर्म और सत्य की हमेशा जीत होती है, वही नेमिनाथ आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल है अपना कुबेरपुर पे, उनके डॉक्टर गुप्ता जी ने जिस तरीके का जो नेक काम इस पूरे कोविड काल में किया था, हजारों मरीज यहाँ पे आए और सभी स्वस्थ होके गए। उनकी एक मन की तमन्ना थी कि हवन भी कराएंगे और यहाँ कीर्तन भी कराएंगे, तो आज उन्होंने वो घड़ी आ गई है। सुबह से अमृत वेले 5 बजे से लेके संगतों को यहाँ बुलाया है और रसमय गुरबाणी शब्द सत्संग भजन कीर्तन में जिस तरीके से उनकी मनोकामना थी कि मेरे यहाँ जो भी आए वो स्वस्थ होके जाए, उनकी मनोकामना पूरी हुई। आज जिस जगह हम खड़े हैं ये बहुत ही अच्छा, जैसा इसका नाम है, नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, और इस जो यहाँ का प्राकृतिक खूबसूरती का वाला वातावरण है, यहाँ पर आज प्रभु के नाम की गूंज, सुखमनि सेवा सभा के पाठ जो चल रहे हैं और अमृतमय कीर्तन का यहाँ पर आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के अंत में सभी संगतों में गुरुघर का अटूट लंगर बरताया गया। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।